सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लाइफस्टाइल ब्लॉग। और अभी तक गला ठीक नहीं हुआ गाइस। कल मैं एक ही बार खाली गार्गल किया था, उसके बाद दोबारा नहीं किया क्योंकि नमक रहता है ना गाइस, थोड़ा टेस्ट अजीब लग रहा था, उल्टी उल्टी लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और गाइस अभी बताता हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रनिंग तो नहीं किया, बस चल के आ रहा था, बस नॉर्मल वॉक करके आ रहा था। तो अभी जस्ट मैं पानी लाया था ठंडा एकदम, ये देखो। तो अभी मैंने सोचा यार ठंडा ठंडा तो पीने से फिर अपना ही नुकसान है, तो इसको मैं रख दिया था। अभी गर्म नहीं हुआ बट नॉर्मल हो चुका है, अब पी सकता हूँ। कम से कम 30-35 मिनट बाहर रखा हूँ गाइस, आप समझ ही सकते हो, मतलब पानी एक ऐसा चीज़ है ना, दिल को सुकून मिलता है पानी पीने के बाद। हेलो, भैया गैस मिल जाएगा? हाँ हाँ, हम जल्दी आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। तो गैस गैस तो बुक कर लिए पापा, चलते हैं गैस लाने फटाक से ना यार, फिर जिमी बाहर आ जाए। ये देखो गैस कितनी छोटी बिल्ली, फिर जिमी देखेगा फिर भौंकेगा। म्याओ। गैस पापा पुराना लग गैस रख दे रहे हैं। सो गैस हमारे एक भाई सब्सक्राइबर मिले, ये भी गैस लेने आया है। पापा को चाय कहीं भी मिल जाए बस चाय पी लेंगे क्या? अरे यार चाय, अच्छा आप लोग का चाय जिंदगी है क्या? जिंदगी नहीं एक आदत है, लचार है हम लोग। हाँ लचार है, मतलब एक मजदूर का निशान है। अरे यार वैसा क्या बात होता है, रईस रईस आदमी चाय पीता है यार। मजदूर नहीं नहीं, आदत किसको भी हो जाए, चाहे मजदूर हो चाहे अफसर हो। हाँ चाय का आदत हो जाने के बाद उसको चाय, सुबह शाम जैसे दीपांकर चोंडे, हाँ उसको खाली चाय ही चाहिए। तो खाली चाय ही चाहिए। सो फाइनली गाइस भारत गैस आ चुका है, अभी जस्ट आया। आप पापा बैठे हुए फिर बोलिएगा खत्म हो गया है, खतरनाक भीड़ हो जा रहा थे गाइस गैस के लिए। जाइए आप भी खड़ा हो जाइए। फाइनली हमें गैस मिल चुका है। सो ये रहा पापा, इस गाड़ी वहाँ खड़ा किए हैं, चाय फिर तो वहाँ गाड़ी खड़ा किए हैं। सो मैं जाता हूँ गाड़ी लेके आता हूँ। तो ये रही अपनी स्कूटी, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने गैस स्कूटी पे लोड कर दिया है। तो गाइस घर तो पहुंच चुके हैं, अब लेके जाना है ऊपर, ये टास्क है। सो फाइनली गाइस ऊपर आ गया गैस, लाते लाते सांस फूल गया गाइस। ऐसा हो रहा ना जब से गला बैठा है ना गाइस, तो मतलब मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो वो वर्ड एक कोई वर्ड हवा में लीन हो जा रहा है, उसके बाद निकल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताना, आपके साथ जब आपका गला बैठता है, जैसे मैं कुछ बात करता हूँ ना तो कोई वर्ड हवा में लीन हो जाता है, वो पता नहीं चलता। तो गाइस मेरे जैसा खूबसूरती आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना फिल्मों में, ना टीवी के एड में। सुनी मुनि रिटा चुनी सब से मिला लो तोरे मुदिला दे बोरे जाचिया जिया। आपको अपना दर्द कैसे बताओ यार, जब हम उस योग्य के काबिल हो, बहुत दर्द से बता रहा हूँ इसमें, मतलब जो मेरा करोड़ों का संपत्ति था, लखपति था, जो मेरा करोड़ों का जवाहरात, मेरा हीरा कहाँ है रे, मर चुका है गैस। ये देखो गैस गुलगुला खाने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गैस ये है 20 रुपया। हम्म, 20 रुपया और 30 रुपया गाइस, अब इसको सुखाना पड़ेगा। देखो गाइस
दीवार का भी कान होता है, अगर इधर अगल बगल से कोई मेरे को देख रहा है, अगर तुम स्पाइडर बन गया है ना तो मैं क्या छोटी बच्ची हो क्या? फाइनली गाइस मैं नहा धोके एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। सुबह तो वैसे मैं गुलगुला का ब्रेकफास्ट किया था, वैसे जाहिर सा बात है गाइस मेरा गुलगुला इडली डोसा और चटनी फटनी जो भी है उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अगर मैं सुबह घर का खाना छू लिया ना तो मुझे अच्छा बच्चा माना जाता है घर पे, अगर नहीं छुआ तो वही नलायक है, 10-20 रुपये मिल जाता है गाइस, इधर उधर से वो निकाल लेता हूँ और चल जाता हूँ सुबह सुबह। और जाहिर सा बात है गाइस सुबह सुबह गुलगुला मिलता है, इडली मिलता है, डोसा मिलता है, तो आराम से खा के पेट भर के आता हूँ। बस दोपहर को खाली इस गरीब को खाना मिल जाए और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। वैसे तो हम सर्वाइव कर ही लेते हैं, 9 लाख फैमिली है हमारा, कहीं ना कहीं से हमें खाने को मिल ही जाएगा। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे, आजकल क्या ही करते गाइस, इसी बहाने आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, आराम से स्टोरी डाल दूंगा गाइस, बोलूँगा आप लोग एक बार मेरे से मीटअप कर लो, मेरे से गले मिल लो और कुछ खाने पीने का दे के चले जाओ यार, तो अच्छा लगता है यार। मैं सियाना हूँ ना? नहीं गाइस, दिल का बहुत अच्छा हूँ, आओ कभी सामने से मिलो, खाने को नहीं बोलूँगा गाइस, मैं उल्टा आप लोगों को खिलाऊँगा कोई नहीं। तो गाइस अभी मेरे पापा 200 रुपये दिए हैं, इसमें से बस अपना 30 या 40 रुपया है, फ्रूट केक लूँगा 4 या 5 तो, बाकी बात चनाचूर ले लूँगा, पीछे से पात छोड़ना भी है ज़रूरी है ना गाइस, गैस कितना पेट में रखेंगे, पात छोड़ने के लिए चनाचूर की ज़रूरत है, तो चनाचूर के लिए अब हम जाएंगे दुकान, सो फिलहाल चलते हैं। तो गाइस मैं नाड़ा जुड़ रहा हूँ, ये बाबूराव का स्टाइल ही नहीं। लो बेटा आज पिछवाड़ा का गिया, पिछवाड़ा लाल होगा आज धूप में गाइस, उई माँ। फक डूड, अबे खुल जा भाई, खुल जा, खुल गया। तो गाइस एक दुबई में एक भाई है बहुत मस्त, उनको मैं वीडियोस वगैरह रेगुलर देखता हूँ, हसबुल्ला करके है, तो वो बोलते हैं बर्गर को बुर्गर, बुर्गर। काफ़ी मज़ा आता है गाइस, वो उनका जो बोलने का तरीका है ना वो सबसे अच्छा लगता है, बुर्गर बुर्गर। ए बेटा ओम फो हो जाएगा, ओम फो हो जाएगा, धस जाएगा यहीं पे, गड़ जाएगा पानी में। फ्रूट केक दे दीजिए अंकल, दो दे दीजिए अंकल। तो चलो गाइस अपना पेट पूजा का सामान मिल गया, कैमरा एकदम भींग चुका है गाइस, सो अब चलते हैं घर, इसको रखते हैं आगे। चलो उड़ता ही फिरू इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं। कहीं झूलना नहीं है गाइस, घर जाना है। गाइज देखा गाइज, मैं बोला ना दुनिया में बहुत सियाने लोग हैं, देखो गाइज ये पिछवाड़ा से मेरा 20 रुपया घसका लिया ही, hey, मेरा 20 रुपया था इसमें, 10 रुपया तुम छोटा माल को यहाँ रख रहा, ए 20 रुपया यहाँ उड़ा हुआ है गाइज, सॉरी, तुम्हारा पिछवाड़ा भी वफादार है द्रो, वफादार है तुम। तो गाइज मैं और पापा अभी जा रहे हैं कुछ काम से, आधार कार्ड वगैरह थोड़ा मेरा सही कराना है गाइज, और दीपांकर का बैग वहीं छोड़ दिया था किया शोरूम में, गारंटी नहीं कि वहीं छोड़ दिया था, बट कॉल करके हम लोग बोले थे अगर होगा तो आप प्लीज़ रख दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा उसका पेपर वगैरह कुछ था, तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे एंड पापा हमारा वेट कर रहे हैं, सो चलते हैं। वैसे अभी हम लोग डिजिटल सेवा के बाहर है और पापा गए हुए हैं आधार कार्ड का काम करवाने, बाकी बारिश हो रहा है, देखो वैसे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, पहले थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था अब अचानक से बढ़ गया है और पूरा बादल काला कर दिया गया, देखो नहीं वैसे ठीक ही है बादल, बट अब देखना गाइस बारिश हो गया ना उसके बाद देखना पूरा नीचे से भाप जो फेंकेगा ना गरम गरम, भाई साहब उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल खतरनाक। सब अपने को भी अंदर जाना होगा, शूज वगैरह खोल लेता हूँ, ये शूज खोलना बहुत, ये सर्टिफिकेट फॉर्म मिला है इसको अभी भरना है करेक्शन करने के लिए, नाम करेक्शन करना है ना, कुमार खड़े डालना है, कुमार तो क्या हो जाता है, कुमार नहीं डालने से भी चलता है, नहीं होता ऐसा, पता नहीं वो सर के गड़बड़ के चलते भर्ती हो जाता है सब चीज। गाइस ये कुछ पेपर्स वगैरह है इसको डिक्की में फटाफट रखना, बारिश हो रहा है बहुत खतरा, भाई साहब आज बारिश रुकेगा कि नहीं, पूरा भींग गया गाइस। तो गाइस एक इंसान की लाइफ ऐसी हो चुकी है, कितना तेज बारिश कर रहा है उधर, पापा बैठे अपन लोग को एक तो थोड़ा सा छिप
इतने लायक मिल गया, बट फिर भी झटास मार रहा है गाइस। देखो इधर तगाद आ रहा है, हवा घुमा दिया ना गाइस। देखो यार खास अगर फोन वगैरह, तो वैसे आईफोन तो कुछ नहीं होगा, डेढ़ घंटा तक आराम से चलेगा, बट उसके बाद फोन डेड हो जाएगा। गीला हो गया ना, तो पूरा भींग जाएगा। तो गाइस अभी थोड़ा सा पानी रुका है, बट अभी भी उतना रुका नहीं है गाइस। अगर बाएं में जाएंगे ना तो गाइस पानी पूरा झटास मारे, पूरा आगे भींग जाएगा। पापा ही चला रहे गाड़ी वैसे भी। चलो फटाफट निकल, खड़े रहने तो कोई फायदा नहीं यार, बहुत खतरा पानी गिर रहा है। साहब ये देखो रोड भाई साहब, ये तो झरना आ गया गाइस, झरना। पूरा नाली का पानी इधर उधर आ गया गाइस। तो गाइस ये जो तार है भाई साहब, मीटर है ना लगा दिल, अबे तो लगाओ ना, लगेगा नहीं इसका तो झूल रहा है, बाय चांस रिंग के अंदर घुसेगा, और वैसे भी पानी का टाइम है, फिसल के पूरा अंदर ही चल जाएगा। हाँ मोड़ के रखो, हाँ इसको डाल लो पीछे। इसको लगाना, अरे यहाँ बांधना, छोड़ना तार है ना, नॉर्मली बंधे रहेगा तो फंस जाएगा, ऐसे रहेगा नहीं फंसेगा, हम बता रहे ना। पता रहेगा नहीं फंसेगा। तो गाइस अभी क्या हुआ ना, अभी हम लोग जब जा ही रहे थे तो अचानक से याद आया कि हेलमेट वहीं छोड़ दिए हम लोग। फिर मैं सोचा प्रज्ञा केंद्र में छोड़े, तो मैं बोल रहा हूँ बिंदा छोड़ देना, आने टाइम लेते हैं, बट एक्चुअली हम लोग पहाड़ पे रख दिए थे। तभी बेचारा दीपंकर गया हुआ हेलमेट लाने, बारिश छूटता क्यों नहीं है। ये तो समुंदर हो गया है, मोटो ब्लॉगिंग करेंगे गाइस। हमें तो तैर के जाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, वो देखो गाइस तैर के जाना पड़ेगा। चलो पापा चलो चलो तैर लेते हैं, थोड़ा उतर के नाप ही लेते हैं कितना गहराई है। चलिए आज उतर के नाप ही लेते हैं गाइस। अब हम लोग मेन रोड ना जाके अब हम लोग जुसलाई की गलियों में आ चुके हैं, गलियों में, इन आबादी की गलियों में। देखो क्या ही मजा आता है, थोड़ा जाम हो गया उधर से भी रोड, इधर से भी गाइस। हमें जिस चीज का डर था वही हो गया हमारे साथ, खतरनाक ट्रैफिक हो गया गाइस, इतना भीड़ भड़का भाई साहब। चलिए 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 हमारा पीछे पीछे भाई एवं बहनों। तो गाइस यहाँ तो लगातार बारिश हुआ है, मतलब बोल नहीं सकते गाइस। जुगसलाई में हम लोग बोले थे कि जुगसलाई की गलियों से गुजर रहे, पर उधर भी पूरा भीड़ भड़ाका था, पूरा नाली का पानी जो निकला हुआ है गाइस, भाई साहब उधर जाम, इधर जो गली जा रहे सब जगह जाम। फिर अभी जाके हम लोग है शायद साक्षी के गोल चक्कर पे, साक्षी थोड़ा आगे है, चाय वगैरह पी रहे हैं, उधर पापा पी रहे हैं, दीपांकर पी रहे हैं। बारिश तो आज इतना तमाशा किया ना, इतना खतरा भाई साहब, अरे बाप, ओवर ब्रिज के नीचे पानी कमर भर हो गया, गाड़ी तीन को फंस गया, इधर का रोड जाम, उधर का भी रोड जाम, आना जाना बंद, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत हुआ कि मत पूछो। सोच रहे थे रोड खुलेगा, रोड खुलेगा, इधर से दीपांकर, ओए अरे साला अबे इधर बे। तो गाइस हेडफोन डाला कान में, इधर से चल, इधर से, इधर से, और उधर से चेकिंग होगा यार कान में, वो भी बर्ड डाला है ना गाइस, वो हम लोग को बुला रहा भाई साहब, अरे चेकिंग होगा, हम लोग उसको बुला रहे, वो हम लोग बुला रहा, बोलेगा सुनो, इधर आ, इधर आ, बंदे हो गए, सिर्फ उधर से आएगा, इधर से जाएगा नहीं, समझे, वो तो जा रहा है वन वे ऑटो में। कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है वन वे ऑटो, उसको पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो फाइन मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो मजाक नहीं, वो वन वे है, इधर जाएगा तो हम पकड़ा जाएंगे ना, इधर जाएंगे तो बिल्कुल, कैसे पकड़ाएंगे, अरे वहाँ चेकिंग उकिंग होता होगा यार, इधर चेकिंग नहीं होगा बिशुपुर में। हाँ तो बस एक काम करके ना, आगे से गोल चक्कर से घुमा के ऐसे चलते हैं, चल चल, हाँ इधर इधर वन वे हो जाए, अरे कोई वन वे नहीं है यार, देखो ना सब सेंटर, वो देखो वो जा रहा है, वो देखो बता रहे ना, ये वन वे, चलिए देखिए
घुस जाएंगे।